समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार से सीपीआर की मांग की है। कास्ट पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत जिस भी जाति की जितनी भी भागीदारी होगी उसे उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में सभी जातियों में उत्कृष्ट आने वाले व्यक्तियों को उसका हक और अधिकार मिल सकेगा। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की मांग है कि देश में सीपीआर हो। सीपीआर मीन्स कास्ट पॉपुलेशन रजिस्टर, जातीय जनगणना हो। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना करा करके जिस भी जाति का जितना प्रतिनिधित्व है प्रदेश को इकाई माना जाए प्रदेश की नौकरियों में, और देश को इकाई माना जाए देश के केंद्रीय नौकरियों के लिए। जितनी जिसकी संख्या हो, जिस जात की जितनी संख्या हो, उतनी जात उतना प्रतिनिधित्व तो उसको दे दिया जाए नौकरियों में, सरकारी गैर सरकारी में। किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, न अगड़े के लिए, न पिछड़े के लिए, न दलित के लिए, न अल्पसंख्यक के लिए। क्योंकि भारत में निवास करने वाले लोगों को अगर उनके जाति के मुताबिक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार किसी भी जात के साथ बेईमानी नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि उस जाति का जो सर्वोच्च और सबसे अच्छा योग्य व्यक्ति होगा वही योग्य व्यक्ति उसमें चुन करके आएगा। तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी लोगों में और कार्यक्रमों में अच्छे लोग आएंगे, योग्य लोग आएंगे, अयोग्यता पर सवाल नहीं उठेगी। और जब रिजर्वेशन के तहत जो लोग चुन के जाते हैं वो बहुत योग्य रहते हुए भी उनकी योग्यता पर कुछ मुट्ठी भर लोग सवाल उठाने लगते हैं कि ये अयोग्य लोग हैं और इनके नाते देश में विकास रुक रहा है, हमारे अच्छे काम नहीं हो पा रहे। तो एक तरह से ये दोनों काम एक साथ हो जाएगा, एक तो अयोग्यता रुक जाएगी और दूसरा अच्छी प्रतिभाएँ किसी भी जात की रहेगी। वो ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में ही वो क्वालिफाई करेंगे और ब्राह्मण के जो टॉप ब्राह्मण होंगे वो ब्राह्मण चुन करके आएंगे। अगर पिछड़े में यादव जी हैं, मौर्य जी हैं, कहार जी हैं, कुहार जी हैं, प्रजापति जी हैं, बरई जी हैं, लोहार जी हैं, ये लोग अपनी अपनी जातियों के अच्छे लड़कों के बीच या अच्छे लड़कियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा करेंगे वो चुन करके आएंगे। और ये भी नहीं कह पाएंगे कि सरकार ने हमारी जाति का प्रतिनिधित्व कम